गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयू ब्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज अंगद यादव, योर साइंस सब्जेक्ट टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी फिनिश चैप्टर नंबर 3। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल। डियर स्टूडेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। ओके, हमारा सब्जेक्ट साइंस है। ओके, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस को हायर क्लास में मेनली 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? साइंस। हम साइंस सब्जेक्ट मेनली 3, 4, 5 में, इसका नाम अलग अलग होता है अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग, बट 6, 7, 8 में हम एज ए साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 6, 7 एंड 8, ठीक है, 8 क्लास तक हम लोग साइंस पढ़ते हैं। ओके, साइंस सब्जेक्ट में जो हमारे चैप्टर होते हैं वो मेनली यही 3 जो ब्रांच है साइंस की, इसी से होते हैं। ठीक है, फिजिक्स से कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ केमिस्ट्री से होते हैं, कुछ बायोलॉजी से होते हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना, जिसमें हमने बायोलॉजी, वो जो चैप्टर था वो बायोलॉजी से था। ठीक, अभी जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। एंड आगे जितने भी हमारे चैप्टर आएंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो बायोलॉजी से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे एंड फिजिक्स से भी होंगे। ओके, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने क्रॉप प्रोडक्शन का स्टडी किया, वो चैप्टर एग्रीकल्चर से है। ओके, तो मेनली जो हमारा साइंस का ये जो ब्रांच है मेनली कौन है? 3 है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो हम 6, 7, 8 के क्लास में स्टडी करते हैं। जैसे ही हायर क्लास में एंट्री लेंगे 9th एंड 10th में, 9th 10th में आपके सब्जेक्ट का नाम साइंस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम 9th एंड 10th की क्लास में आपके सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? सब्जेक्ट का नाम साइंस होगा, बट वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्पेशल टीचर आपको टीच करेंगे। ठीक है, जो फिजिक्स के स्पेशल टीचर होंगे वो फिजिक्स आपको टीच करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के जो स्पेशल टीचर होंगे वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड बायोलॉजी के जो स्पेशल टीचर होंगे वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट आपका वहां पर भी क्या होगा? साइंस होगा। ओके, 6, 7, 8 में भी सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन यहां पर कितने टीचर? केवल एक टीचर पढ़ाते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स के कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ बायोलॉजी के होते हैं। ये कब होता है? ये 6, 7, 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कितने टीचर पढ़ाते हैं? केवल और केवल एक आपको टीचर यहां पर टीच करेंगे। ठीक है, कितने? एक। ठीक, एक टीचर। किस क्लास में? 6, 7, 8 में। ठीक, जिसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि ये तीनों जो चैप्टर यहां से होंगे साइंस में आपके, वो केवल एक टीचर आपको पढ़ाएंगे। बट 9th एंड 10th में, जैसे ही आप 9th 10th में जाएंगे, वैसे ही साइंस सब्जेक्ट का नाम तो साइंस होगा, जैसे 6, 7, 8 में था, वैसे ही 9th 10th में भी सब्जेक्ट का नाम साइंस ही होगा, बट वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्पेशल टीचर होंगे, जो आपको फिजिक्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टीचर बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो और इससे हायर क्लास अगर आप जाते हैं, जैसे 11th 12th में साइंस सिस्टम से आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको फिजिक्स, अब आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं होगा, अब वहां पर फिजिक्स का एक सिलेबस अलग होगा, केमिस्ट्री का सिलेबस अलग होगा एंड बायोलॉजी का सिलेबस अलग होगा। हालांकि अलग तो आपका 19th में ही होता है, बट यहां पर बुक ही अलग हो जाती है। फिजिक्स की बुक जो है अलग होंगी 11th एंड 12th में, केमिस्ट्री की भी अलग हो जाएंगे और बायोलॉजी की भी अलग हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, हमने ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, इस चैप्टर से इसका लिंक क्या है? इस चैप्टर से इसका लिंक यही है कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो किस पार्ट से है, यानी साइंस के किस पार्ट से है, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इस जो चैप्टर केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, बायोलॉजी से, उसे कैसे डील करना है। इन प्रीवियस चैप्टर में जिस हिसाब से हम लोगों ने अपने अराउंड से इंटरलिंक करके हमने स्टडी किया है ईच पॉइंट को, वैसे ही हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर केमिस्ट्री का पार्ट होगा, जिसमें हम एलिमेंट्स एंड मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन भी होंगे जो आपको बड़े ही केयरफुली तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास, चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
ठीक है, पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। बट डियर स्टूडेंट, मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर यानी मेटल्स टॉपिक या नॉन मेटल्स टॉपिक पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले हम मैटर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज मैटर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग मैटर, मैटर मैटर एवरीथिंग एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। ओके, व्हाट इज मैटर, अगर आपसे कोई पूछे मैटर क्या, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे अराउंड में जितने भी थिंग्स हैं, ठीक है, यानी मैटर किसके, किसे कहते हैं हम, यानी ऐसे थिंग्स जिसके पास वेट हो और वो एक ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी नोट्स कॉपी हो सकती है, ओके, नोट्स कॉपी, आप इसको वेट करेंगे, इसका कोई वेट होगा, राइट, इसका कोई वेट होगा ना, एंड जहां पर आप इसको रखेंगे ये कोई स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा, ठीक, क्या है ये, मैटर है, ओके, इसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और डिफिनेशन भी हमारा यही बता रहा है, एवरीथिंग्स अराउंड अस, हमारे अराउंड में जो भी चीजें हैं, ठीक है, दैट हैज वेट, उसका क्या होगा, एक वेट होगा एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी वेट के साथ ही वो क्या ऑक्यूपाइज कर रहा होगा, एक स्पेस घेर रहा होगा, ऑक्यूपाइज कर रहा होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है, और सभी जो भी थिंग्स हैं वो सब किसकी, किसके बने होते हैं, मैटर्स के, ठीक। जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन नहीं, मार्कर पेन, जो जिसके जो क्या है, इसका भी एक वेट है, ठीक, और ये भी क्या कर रहा होगा, एक जहां पर हम इसको रखेंगे ये स्पेस को ऑक्यूपाइज करेगा। हमारे क्लोथेस, बैग, ठीक है, चेयर, टेबल, यानी एवरीथिंग्स, ठीक, ये सब क्या होते हैं, सबके सब मैटर्स के बने होते हैं, ठीक। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज वेट, यानी ऐसे थिंग्स जो हमारे अराउंड्स में प्रेजेंस हैं उनके पास क्या है, वेट होता है एंड वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, एक मैटर है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैटर, अब ये मैटर का पॉइंट तो डिस्कस हो गया, तो मैटर बना कैसे है, मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अब हमने क्या अभी डिस्कस किया डियर स्टूडेंट, फिर से हमने कहा कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे अराउंड अस जितने भी थिंग्स हैं वो, उनके पास अगर वेट है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो मैटर है। और मैटर किसके बने होते हैं, मैटर बने होते हैं एलिमेंट्स के, मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब कुछ स्टूडेंट के ये क्यूरीज हो सकती हैं, सर क्या जो एयर है वो मैटर है, क्या जो गैस होता है वो मैटर है, तो यस, गैस दैट मींस एयर जो हमारा है वो भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि एयर में गैसेस होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है ना, एंड भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंस होती हैं, तो यस, एयर एंड गैस के, गैस को भी हम मैटर बोलते हैं। आप कहेंगे सर उसका तो वेट नहीं होता, मे बी ऐसे कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं, बट क्लियर करें डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने, आप लोग ये जानते होंगे कि आपके घर में गैस सिलेंडर है, है ना, गैस सिलेंडर है। अब जब उसको मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हमें उस गैस सिलेंडर में कुछ लीटर के फॉर्म में हमें गैस मिलती है, 10 लीटर, 15 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, ऐसे हमें क्या मिलता है, गैस मिलता है। अब वो जो अब जब भी आप कुकर स्टार्ट करते हैं, कुकर नहीं मतलब गैस जो स्टार्ट करते हैं, तो गैस जो है वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, राइट, ठीक है, तो वो गैस क्या है, एक एयर फॉर्म में होता है ना, एयर फॉर्म में होता है, जिसको हम विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अभी एयर है, कहां देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं गैस को, नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो गैस सिलेंडर में क्या किया है, और
स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, और हमने लीटर के फॉर्म में लिया था वो उसका वेट हो गया, ठीक है, वेट लीटर के फॉर्म में हमने, हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने बोला हमें गैस चाहिए, ठीक है, और उसने लीटर के फॉर्म में हमें 5 लीटर 10 लीटर या 15 लीटर हमें क्या दिया, गैस दिया, तो वो लीटर फॉर्म क्या है, वेट, और जिस बर्तन में हमने उसको रखा है, ठीक है, जिसमें रखा, जैसे गैस सिलेंडर में हमने उसको क्या करेंगे, उसको भरवाएंगे, तो गैस सिलेंडर उसका क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी गैस उसमें क्या होगा, वो गैस का ऑक्यूपाई स्पेस हो जाएगा, यानी कि गैस पूरे गैस सिलेंडर में फिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां वेट भी हो गया और उसने क्या कर लिया, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जिसके पास होती है वही होता है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है, जिसके पास वेट हो और वो स्पेस को क्या कर पाए, ऑक्यूपाई कर पाए, और जब जिनके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हो, वेट एंड स्पेस ऑक्यूपाई का जिनके पास प्रॉपर्टीज होता है वो क्या हो जाता है, मैटर, ठीक है, तो एयर एंड गैस के, गैस भी क्या होता है हमारा, मैटर होता है। मैटर किसका बना होता है, एलिमेंट्स का, ठीक है, और कितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड किए गए हैं, अभी तक जो हम स्टडी करते हैं 118, ठीक है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, अभी 19 भी हो गया है, ठीक है, लेकिन 118 एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे, 9th-10th जैसे हायर क्लास में आप एंट्री लेंगे या फिर 11th-12th में, तो आपको 118 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से टीच कराया जाएगा, ठीक है। अभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो बने किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, हमारे एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक। अभी इसके बारे में डीप से स्टडी नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर डीप जाएंगे रिवेलेंट नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, बस इतना ही हमें स्टडी करना है, मैटर किसका बना है, एलिमेंट्स का बना है। मैटर का स्टडी इसलिए करना है क्योंकि मैटर से ही हमें बेसिक क्लियर होगा कि कोई भी थिंग्स हमारे जो अराउंड है, वो चाहे क्लोथेस हो, चाहे वो हमारा मेटल्स हो, लाइक आयरन, टिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, नॉन मेटल थिंग्स, जैसे अभी क्लोथेस डिस्कस किया हमने, एंड आपका फर्नीचर, ठीक है, नॉन मेटल की कैटेगरीज में आ जाएंगे सब, तो ये सभी क्या है, मैटर है, और मैटर के पास केवल दो प्रॉपर्टीज, यानी किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है, एक मैटर उसको कहते हैं जिनके पास क्या हो, वेट हो, और दूसरा प्रॉपर्टी, यानी मैटर, मैटर के पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टीज उसकी होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैटर का पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको इरेज करते हैं, डिस्कस करते हैं यहां से हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी एक चैप्टर का पार्ट था और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मेटल्स, व्हाट इज मेटल, मेटल्स व्हाट इज मेटल, मेटल्स आर जनरली द एलिमेंट, the elements which are hard, which are hard, shiny and good conductors of heat and electricity. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है, एक टाइप, मतलब जनरली ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैटर्स में, सॉरी मेटल्स, ओके, मेटल्स डिस्कस कर रहे हैं, मैटर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मेटल्स जनरली क्या है, एलिमेंट्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये हार्ड होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एंड शाइनी होते हैं, मतलब चमकीले, ठीक है, साइनी होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हीट भी ट्रांसफर हो सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरीज में रखते हैं, मेटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हार्ड हो, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या डिस्कस किया, ऐसे एलिमेंट जो क्या है, वो हार्ड हो, साइनी हो एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो क्या होंगे, मेटल होंगे, इज दैट क्लियर, ठीक है, मेटल्स आर एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर साइनी, हार्ड,
शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड मेटल्स. ओके डियर स्टूडेंट, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है क्या कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं एंड गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. ये क्या होंगे, अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिस भी एलिमेंट के पास होगी वो एलिमेंट क्या होगा, मेटल होगा. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट अगर है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. डियर स्टूडेंट, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, केमिकली क्या प्रॉपर्टीज होती है, अभी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे मेटल के, ठीक है, कैसे और भी हम क्लियर हो पाए कि मेटल जो हम जितने भी थिंग्स देख रहे हैं वो उसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है, ठीक है, डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा. ठीक है, मेटल्स की केमिकली प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स कैन, फर्स्ट है मेटल्स कैन बी इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन्स. मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया क्या स्टूडेंट, मेटल कैन बी इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल की पहली प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. ठीक है, इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन को. कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे ये क्या है, Na किसका सिंबल होता है, सोडियम कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, अभी ये आपको जैसे कार्बन को C, ऑक्सीजन को O2 राइट करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट आप इसके साथ जैसे ही फ्रेंडली हो जाएंगे बहुत ही इजी हो जाता है. Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, ठीक है, सोडियम का. Na, Cl देखते हैं आप लोग, Cl यानी Cl आप जानते हैं जो हम नमक खाते हैं, नमक हम सभी लोग साल्ट यूज करते हैं ना, उस साल्ट का केमिकल जो फॉर्मूला है वो NaCl है. ठीक है, NaCl, ठीक, वाटर जो ड्रिंक करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O. ठीक है, H2O, हाइड्रोजन होता है, दो ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो ये अभी आप जैसे जैसे इस चैप्टर को स्टडी करते जाएंगे बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होगा. सोडियम Na, हमने क्या डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, ये एक एग्जांपल हम राइट कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल. अब मेटल्स कैन बी इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही इजिली क्या कर सकते हैं, लूज कर देते हैं, किस फॉर्म में, पॉजिटिव आयन के रूप में. यानी Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, निकलेगा. ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो ये Na+ के फॉर्म में हो जाएगा. ऐसे Mg, ठीक है, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg यूज करते हैं. अब हमने एक एग्जाम्पल भी राइट किया है, मेटल्स कैन बी इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, यानी Na क्या किया, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, E. ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी इसने Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे बाहर गया क्या यहां पर वो फॉर्म किया, Na+, दैट मींस पॉजिटिव आयन. आई थिंक ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने ब्रेन में, स्टूडेंट यानी अपने ब्रेन में अच्छे से बिठा लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए. हमने क्या डिस्कस किया, मेटल्स कैन बी इजिली लूज, यानी ये जो मेटल्स है, सोडियम क्या है, मेटल्स है, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया. जैसे ही Na से इलेक्ट्रॉन एक बाहर गया वैसे ही क्या फॉर्म हो गया, Na+, यानी यहां पर राइट भी किया है, फॉर्म पॉजिटिव आयन. अंडरस्टैंड, आई थिंक अंडरस्टैंड. सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड को फॉर्म कर सकता है. ओके, जैसे आपने उसमें आयरन में रस्ट देखा होगा, आयरन ऐसे बाहर रख दीजिए उसमें रस्ट लग जाता है,
आयरन एक टाइप का क्या है, मेटल है, और वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा कि ऑल मेटल आर सॉलिड, सभी मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट किसके, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो सॉलिड के फॉर्म में नहीं होते हैं, उसमें कौन है, फर्स्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी एंड गैलियम क्या होता है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। डियर स्टूडेंट फिर से फोकस करिए, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल मेटल आर सॉलिड, ठीक है, सभी मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट यानी केवल किसको किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, मरकरी को और गैलियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि मरकरी और गैलियम दोनों मेटल हैं बट ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मरकरी एंड गैलियम क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बाकी सभी के सभी मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, कौन, मरकरी एंड गैलियम एक्सेप्शन है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल कैन बी इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन, हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे होता है। मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बना लेते हैं, वो मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, एग्जांपल हमने रस्ट का दिया था, आयरन में रस्ट हो जाता है। ऑल मेटल आर सॉलिड यानी सभी के सभी मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है, कौन कौन से, इसको याद भी रखना है आप लोगों को, मरकरी एंड गैलियम लिक्विड फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट अवर नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, इसमें फर्स्ट सब हेडिंग है फिजिकल स्टेट। ओके, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड at room temperature they have high melting point। डियर स्टूडेंट मेटल्स रूम टेम्परेचर पर यूजली क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्शन छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हमने डिस्कस ही किया है अभी अभी, मरकरी एंड गैलियम। ओके, वो एक्सेप्शन है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बट मेटल्स यूजली क्या होते हैं, जो मैक्सिमम मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट यहां पर हेडिंग हम मेल्टिंग पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, बट ओके, they have high melting point. What is melting point? Melting point मतलब पिघलना, melting means होता है पिघलना, ठीक है, जैसे आप घी अगर आप गर्म कर दिए तो वो पिघल जाता है, वैसे ही मेटल भी क्या होता है, पिघलता है, that means उसका melting point होता है कि 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर जो मेटल होगा वो क्या होगा, melt होगा। अब ये हमने एग्जांपल दिए 10, 15, 20, 25, है ना, ऐसा नहीं होता कि 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पर मेटल इजिली क्या हो सकते हैं, वो मेल्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, फिर से क्लियर करते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका एक एग्जाम्पल राइट करते हैं, एग्जाम्पल टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो होता कितना है,
3410 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा, अगर किसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मेटल्स में किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो होता है टंगस्टन का, ठीक है, और सबसे लो किसका होता है, ठीक है, लो, अगर आपसे हाईएस्ट लोवेस्ट अगर पूछ ले, ठीक, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, अभी हमने डिस्कस किया एट अ रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड फॉर्म में था, मरकरी एंड टंगस्टन, सॉरी मरकरी एंड गैलियम, ठीक, यानी लोवेस्ट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का, लोवेस्ट कौन है, लोवेस्ट का, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मरकरी एंड टंगस्टन का, जो कि अभी भी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मरकरी एंड टंगस्टन जो है, सॉरी मरकरी एंड गैलियम एट अ रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर से डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट, मेटल यूजली क्या होता है, मेनली मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन छोड़ के है, ठीक है, यानी मैक्सिमम मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, ठीक है, हाई होता है, मैक्सिमम मेटल का हाई होता है, इसमें एक एग्जांपल है, सबसे हाईएस्ट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग मतलब कि टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, आयरन का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, यानी अदर जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, जिसमें सबसे हाईएस्ट किसका है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, यानी टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी पिघलना स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मरकरी एंड गैलियम का सबसे लोवेस्ट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। Dear student, today class is over. Now, you have any doubt regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching. All of you, my dear student.